अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, आज के लेक्चर नंबर 26 में हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सिख मज़हब के अहम हदवाल बयान करें। ये इसका आंसर पेज नंबर 58 पे है। आपने ये इसी से क्वेश्चन ये सारा लिखना भी है, याद भी करना है, सिख मज़हब से लेके ये लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक 1869 में पंजाब के ज़िला ननकाना साहब में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मेहता कालू था जो हिंदू थे। बाबा गुरु नानक हिंदू अज़म की तालीमात से मुतासिर ना थे। उन्होंने एक नए मज़हब सिख मज़हब की बुनियाद रखी। बाबा गुरु नानक की तालीमात हिंदू की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है। बाबा गुरु नानक मुसलमान सूफ़ी इकराम से बहुत मुतासिर थे। आपने अपने पैरोकारों को नस्ली इम्तियाज तर्क करने, तौहीद और मसावात की पैरवी करने का दर्स दिया। 18वीं सदी के वस्त में जब मरकज़ में मुगलों की हुकूमत कमज़ोर हुई तो सुबह पंजाब और सरहद में सिखों ने जोर पकड़ा और पूरे पंजाब पर काबिज हो गए। सिखों ने पंजाब पर 1801 से लेकर 1849 तक हुकूमत की। सिख दौरे हुकूमत में मशहूर हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह का नाम आता है, जिसका इंतकाल 1839 में हुआ। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिख हुकूमत जवाल पजीर होती गई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त देकर पंजाब पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। आज का आपका यही लेसन है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखना है, याद करना है। अल्लाह हाफिज़।